हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर सीरीज ऑफ टेक इन्फो हब चैनल। ये जो लेक्चर सीरीज है वो क्रोपवॉट सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्रोपवॉट सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी लोगों को थैंक्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और बने हुए हैं टेक इन्फो हब चैनल के साथ। वैसे हमारे जो आर्क जीएस और इपरनेट लेक्चर सीरीज है उसके कुछ एडवांस वीडियोज अभी अपलोड करने बाकी हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला तो जल्दी वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रोपवॉट प्रोग्राम क्या है और इसका क्या यूज़ है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा उसमें हम सीखेंगे कि इसको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और जो उसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें हम इसका यूज़ करना सीखेंगे। तो जो क्रोपवॉट सॉफ्टवेयर है ये यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हैं, उसने डेवलप किया है। तो उसका यूज़ किया जाता है किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन करने में। जैसे कोई भी अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसके लिए पहले आपको उसका कमांड एरिया डिसाइड करना होता है। उसके बाद फिर आप उस कमांड एरिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जा सकती है, या मैं कहूँ उसका क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होता है कि इस पर्टिकुलर कमांड एरिया में ये क्रॉप इस ड्यूरेशन के अंदर ग्रो होगी और ये इस ड्यूरेशन में हार्वेस्ट होगी, और उस पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसकी क्या वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी उसके कंप्लीट वेस्ट पीरियड, मतलब उसको जब आप सोन करते हो वहाँ से लेके हार्वेस्ट के तक की, तो वो कैलकुलेशन करने में इस जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ होता है। तो उसके लिए आप फिर पर्टिकुलर क्रॉप की क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप ग्रोस वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आप पर्टिकुलर कैनाल की कैपेसिटी निकाल सकते हो, उस कैपेसिटी के बाद आप उसके हेडवर्क की डिजाइनिंग कर सकते हो। तो मैं क्रोपवॉट सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू की तरह ले चलता हूँ आपको। ये जो क्रोपवॉट 8 है ये विंडोज़ प्रोग्राम है जिसके यूज़ से आप क्रोपवॉट रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट अगर एग्जिस्टिंग है या न्यू क्लाइमेटिक डाटा है तो उससे भी आप क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। सो दिस प्रोग्राम अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन शेड्यूल फॉर डिफरेंट मैनेजमेंट कंडीशन एंड द कैलकुलेशन ऑफ स्कीम वाटर सप्लाई फॉर वेरिंग क्रॉप पैटर्न। अगर क्रॉप पैटर्न वेरी कर रहा है तो ऐसी अगर कोई वाटर सप्लाई स्कीम है तो उसकी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, या फिर आप जो इरिगेशन डेवलपमेंट है जिसकी डिफरेंट मैनेजमेंट कंडीशन है तो उसमें उस स्केड्यूल में भी आप इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जो इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो CWR, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, तो क्रोपवॉट को उसके लिए कौन कौन सा डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो बेसिक डाटा चाहिए वो होता है AO4 ट्रांसपिरेशन। तो आप जो अगले लेक्चर आएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि AO4 ट्रांसपिरेशन क्या है, ये इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन है। तो ET0 का या तो आप ये ऑप्शन देता है क्रोपवॉट की, या तो आप डायरेक्टली ET0 अगर आपने कैलकुलेट करी रखी है तो वो आप इसमें इनपुट में दे सकते हो। अगर आपके पास ET0 नहीं है तो उसमें आपको दूसरे जो इनपुट डाटा है जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड स्पीड और सनशाइन सोर्स है, तो ये डाटा से वो अपने आप ऑटोमेटिक ET0 आप कैलकुलेट करेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो पेनमैन मोंटी जो फॉर्मूला है उसके बेस पे है, उसके बेस पे ये ET0 की कैलकुलेशन करता है। और ये जो क्रोपवॉट सॉफ्टवेयर है ये फुली सपोर्ट्स द .pen एंड CLI फाइल्स। ये क्या है, ये फाइल्स भी हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। CLI क्लाइमेट फाइल है और ये पेनमैन की जो है ये जो प्रिसिपिटेशंस की फाइल है। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि ये क्या क्या फाइल है, कौन कौन से डाटा इसमें इनपुट में देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी नए नए वीडियो ला सकें। और दोस्तों, इसके अलावा टेक इन्फो हब चैनल की एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी तैयार हो चुकी है जो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार आप जाके इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। ये बेसिकली यूट्यूब की वीडियोज़ है लेकिन उसको ऑर्गेनाइज वे में आप रख सकते हो, और डायरेक्ट आप गूगल अर्थ, आर्क जीएस, इपरनेट या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसकी आप प्ले लिस्ट डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। तो ज़रूर आप एक बार जाके इसको ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको यूज़ कीजिए।